और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। जाटों को रिझाने की कोशिश में लगातार बीजेपी लगी हुई है। ऐसे में 1 सितंबर को जींद में बीजेपी रैली करेगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और राज्य स्तरीय रैली का बीजेपी आयोजन करेगी। कई केंद्रीय मंत्री रैली में शामिल होंगे। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। जाटों के रिझाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। 1 सितंबर को जींद में बीजेपी रैली करने वाली है। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और ऐसे में राज्य स्तरीय रैली का बीजेपी आयोजन करेगी। कई केंद्रीय मंत्री रैली में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई विधायक भी इस रैली में शामिल होंगे। बीजेपी के कई विधायक इस रैली में शामिल होंगे। अमित शाह की मौजूदगी में ये रैली होगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है और ऐसे में जाटों को कैसे रिझाया जाए, कैसे अपने पाले में लाया जाए, ये पूरे जोर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में सभी की निगाहें हरियाणा विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। लेकिन इस बीच अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। आदित्य, हरियाणा का चुनाव हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर बात बीजेपी की करें, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ऐसे में आगे कैसे इतिहास को दोहराया जाए बीजेपी के लिए, ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी हुई है। आदित्य जी, बिल्कुल आ रहा है। देखिए, जैसे कि लोकसभा चुनाव में जैसा बीजेपी का प्रदर्शन रहा, चाहे उत्तर प्रदेश में देखे, चाहे वो हरियाणा में देखे, उतना अच्छा नहीं रहा। इसको लेकर बीजेपी जो है वो फूक फूक कर कदम रख रही है। आप एक और कहावत भी सुनी होगी कि देश का गला सांस भी फूक फूक कर पीता है, यही जो अभी हाल बीजेपी का है। बीजेपी अभी देखा जाए तो हरियाणा में फूक फूक कर रख रही है, क्योंकि वहां पर अभी लोग विधानसभा चुनाव होने वाले, जितनी राजनीतिक पार्टी है जनता को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े वादे कर रही है और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, ताकि वहां पर फिर से अपनी सरकार बना सके। देखा जाए तो मौजूदा में अभी वहां पर बीजेपी की सरकार है और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 1 सितंबर दिन में बीजेपी रैली होने वाली है। वहीं पर जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह, उनके नेतृत्व में रैली की जाएगी और गृह मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं यह रैली बहुत बड़ी कई संकेत दे सकती है जो विपक्षी पार्टियां है, क्योंकि वहां पर खुद अमित शाह जा रहे हैं। अभी सबकी निगाहें वहां पर टिकी है कि क्या और बड़े वादे किए जा सकते हैं वहां से, उस रैली से, ताकि और जनता को लुभाने का काम किया जाए। जी बिल्कुल आदित्य, लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा में बीजेपी का देखा जाए तो किसान भी खासा खुश नहीं है, बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान देखा होगा। और ऐसे में जाटों को कैसे मनाया जाए बीजेपी के लिए, ये भी बड़ा सवाल है आदित्य। यानी कि जाट और किसान दोनों को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। आदित्य जी बिल्कुल, देखिए किसान हो गए और भी किसान हो गए, किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इस पे खास कर ध्यान रखेगी और ये सोचेगी कि किसान जो है उनको लुभाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और वहीं पर बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष लगातार उठाता रहता है, बेरोजगारी का भी खास ध्यान रखकर बीजेपी वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा घोषणा करेगी। देखा जाए तो हरियाणा में चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो लगातार कमर कस रही है और वहाँ पर जितने भी चाहे वो किसान हो, चाहे बिल्कुल आदित्य, और बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है कि कैसे सबको मनाया जाए और हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, तमाम सारी जानकारी देने के लिए।